हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। बुगनवेलिया की कटिंग्स ग्रो करना हमारे काफ़ी व्यूअर्स को बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन बुगनवेलिया की कटिंग ही एक ऐसी कटिंग है जो कि दूसरी कटिंग से ज़्यादा आसानी से ग्रो की जा सकती है, क्योंकि दूसरे प्लांट्स की कटिंग में मॉइस्चर जल्दी ख़त्म हो जाता है और वो जल्दी सूख सकती हैं। लेकिन बुगनवेलिया की जो कटिंग होती है वो एक हार्डी कटिंग होती है, उसमें मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक बना रहता है और कभी कभी तो बहुत टाइम पुरानी कटिंग में भी ग्रोथ नज़र आ जाती है, और ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ हमने बुगनवेलिया की छोटी छोटी कटिंग्स ली हैं। हालांकि अभी हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग थी, लेकिन फिर भी इसकी हमने एक दो कटिंग्स ले ली और उनको ही ग्रो करके दिखाएंगे आज। और अगर कभी ग्रोथ नहीं हो रही है, मान लीजिए जैसे हमारी वीडियो में हमने आपको दिखाया 30 दिन में रिजल्ट, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बुगनवेलिया की कटिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी 4-5 महीने बाद भी ग्रोथ हो जाती है, और ऐसा सच में होता है। इसीलिए बुगनवेलिया की कटिंग को आप लगा रहने दें, क्योंकि वो देखने में सूखी लगती है लेकिन वो सूखी नहीं होती है, काफ़ी टाइम तक वो हरी भरी बनी रहती है, लेकिन ऊपर से उसका कलर ब्राउन होता है, इसीलिए समझ नहीं आता। और ये प्लांट में बहुत बहुत टाइम के बाद भी ग्रोथ हो जाती है, इसीलिए उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अभी एक पॉट खाली रखा था, इसमें मिट्टी भरी हुई थी, कोई खाद वगैरह इसमें नहीं मिलाया हुआ है। आपके सामने ही हमने मिट्टी की गुड़ाई करी है, तो देखिए कोई खाद नहीं है, केवल ये मिट्टी है। और ड्रेनेज होल भी इसका अभी हमने चेक नहीं किया है, ऐसे ही जैसे मिट्टी भरी हुई रखी थी पॉट में, वैसे ही हम इसमें ये कटिंग्स लगा देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में तो हम इसको ऐसे ही साधारण तरीके से बताएंगे, एक और वीडियो आगे शेयर करेंगे जिसमें हम इसको प्रॉपर तरीके से ग्रो करना बताएंगे आपको। तो आज ऐसे ही आसान तरीके से, तो इसमें हमने 3-4 कटिंगें ले ली हैं और दो ये थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग है छोटी छोटी, इनको मत गिनिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें ग्रोथ हो भी जाती है और कभी कभी ग्रोथ नहीं भी होती। तो इस तरह की पेंसिल जैसी आप कटिंग्स ले सकते हैं, हालांकि ये थोड़ी पेंसिल से पतली है, लेकिन पेंसिल जितनी या पेंसिल से थोड़ी बारीक आपको कटिंग्स लेनी है, और लगभग 6 इंच से लेकर 8 इंच तक की कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम इजी तरीके से ऐसे ही रफली इसको ग्रो करना बता रहे हैं, इसलिए पत्तियां नहीं हटाई हैं। वैसे हम कटिंग्स में पत्तियां हटा देते हैं तो एनर्जी उसकी वेस्ट नहीं होती जो कटिंग होती है। तो अभी इसको हमने ऐसा कैसा जैसा कट किया, ना इसमें कोई हमने 45 डिग्री एंगल पर कट लगाया है, ना हमने इसकी पत्तियाँ हटाई हैं, ना कोई स्पेशल पॉटिंग मिक्स बनाया है। ऐसे ही कटिंग्स ली, जैसी मिट्टी तैयार थी, खाली मिट्टी, उसको ऐसे ही लगा दिया। जो पॉट है इसमें जगह बहुत है और बारिश का टाइम चल रहा है तो ऐसे में पानी भरता है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जब लगातार बारिश होगी तो इस पॉट में पानी भरेगा। और ये हमने इसलिए भी आपको बताना चाहा क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स हमें फ़ोटो भेजते हैं अपने पॉट्स के, कि हमारे प्लांट में ये परेशानी है, ये परेशानी है, तो उनके गमले जो हैं वो आधे आधे खाली ही रहते हैं। यानी मिट्टी में पौधा जब वो लगा रहे हैं तो इतना नीचे लगाते हैं गमले में कि आधे आधे गमले खाली रहते हैं। तो ये गमले में तो जितनी मिट्टी थी हमने आपको दिखाने के लिए उतना ही रखा है, नहीं तो आपको गमले को ज़्यादा खाली नहीं रखना है। कम से कम आधा इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच आप खाली रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पॉट थोड़ा सा ही खाली रहे, बस आधा इंच की जगह ही उसमें खाली रहनी चाहिए या फिर 1 इंच की। इससे बारिश में जब पानी भरेगा तो गमले में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब 1 महीने के बाद यानी 30 दिन के बाद हमें एक कटिंग में ग्रोथ नज़र आई, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल पॉटिंग मिक्स हमने नहीं बनाया था, जगह भी खाली है, बारिश हुई थी तो इसमें पानी भी भरा, और काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स रहे। लेकिन हम इसमें केवल आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे कटिंग्स ग्रो कर देते हैं तो भी आपको उसमें रिजल्ट मिल जाता है। अब हम बाकी कटिंग्स को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ दिन बाद इसमें भी ग्रोथ हो जाए, लेकिन एक कटिंग में ग्रोथ हो चुकी है और रफली ग्रो करने पर भी कटिंग्स में ग्रोथ हो जाती है, रिजल्ट मिल जाता है। तो आपको एक काम और करना है, अब काफ़ी व्यूअर्स इसकी पत्तियां देखकर यहीं से इसको बाहर निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट करने की सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसको ग्रोथ करने दीजिए, हेल्दी होने दीजिए। अगर आपने लेट ग्रो किया है तो उधर सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपने जल्दी ग्रो किया था और रेनी सीजन चल रहा है, अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, तो आप इसको पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लेट ग्रो किया है तो फिर आप सर्दियां बीत जाने दीजिएगा और लगभग फरवरी में जाकर इसको रिपॉट कीजिएगा, नया गमला दीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी ग्रोथ नहीं होनी है। और मान लीजिए ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया आपने तो फिर आपकी ये कटिंग्स की ग्रोथ बंद भी हो सकती है। अब देखिए इतना खाली पॉट है, कभी भी इतने खाली पॉट में कटिंग ग्रो नहीं करनी है। आज की वीडियो केवल उन व्यूअर्स के लिए थी जो ये कहते हैं कि आपकी कटिंग्स तो ग्रो हो जाती हैं, हमारी नहीं होती, हम तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं किया है, धूप से भी नहीं बचाया है, खाद भी नहीं दिया है, ऐसा कैसा कट करके ऐसा कैसा आपके सामने लगा दिया, कोई कुछ भी इसमें खास नहीं किया, फिर भी रिजल्ट मिल गया। तो आप केयर करेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
कटिंग्स के मरने के जो चांसेस होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप कटिंग्स को बार बार डिस्टर्ब करते हैं या फिर मिट्टी में ओवर मॉइस्चर हो जाता है। यही कारण है कटिंग्स के सूखने का, ड्राई होने का। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।